तो आज के वीडियो में हम जिस इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है सिद्धांत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। और ये कहाँ पर आता है? सुदुम्रे नाम का एक प्लेस है पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तालुका मावल, यहाँ पर ये कॉलेज लोकेटेड है। सारी चीज़ें देखेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन, कौन सा कट ऑफ, कौन से कोर्स के लिए कितना कट ऑफ है, कितना इनटेक है, फीस स्ट्रक्चर जानेंगे, उसके बाद प्लेसमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और लास्ट ईयर का कट ऑफ भी देखेंगे हम। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके एडमिशन से लेके आपके करियर तक ये चैनल आपको हेल्प करेगा ऑन एवरी स्टेप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक पिक्चर मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है आपके रेफरेंस के लिए, कॉलेज के कैंपस में से एक फ़ोटो है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला आपको, कॉलेज का नाम 2005 एस्टेब्लिशमेंट है कॉलेज का, DTE कोड 6149 66, ये आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट नंबर है कॉलेज का ऑफिस का। DTE रीजन पुणे, डिस्ट्रिक्ट पुणे, चाकन तलेगांव रोड, एड्रेस क्या है? चाकन तलेगांव रोड एट पोस्ट सुदुम्रे, एट पोस्ट सुदुम्रे नाम का एक विलेज है, वहाँ पर ये कॉलेज का लोकेशन है। पिन कोड जो है देख सकते हो और कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस भी देख सकते हो। अनएडेड कॉलेज है, नॉन ऑटोनोमस है, यहाँ पर माइनॉरिटी कॉलेज है, ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है फॉर हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉलेज के लोकेशन के बारे में थोड़ी चीज़ बता दूँ। कॉलेज का जो लोकेशन है एक विलेज प्लेस में है, सिटी से काफ़ी दूर है। अब देखते हैं कितना दूर है एक्चुअली। तो पुणे का जो स्टेशन है, पुणे जो है यहाँ से आई थिंक 30-40 किलोमीटर दूर है, 30-40 किलोमीटर कॉलेज से। और उसका नज़दीक का रेलवे स्टेशन तळेगाव नाम का रेलवे स्टेशन है, और देहू, देहू सबको पता होता है महाराष्ट्र में, देहू गांव जो है संत तुकाराम महाराज का जो प्लेस है वारा। ठीक है, तो वहाँ पे उससे सिर्फ 5 किलोमीटर दूर पड़ता है कॉलेज। लेकिन मैं आपको बता दूँ, कॉलेज एक विलेज में है, वहाँ पर कॉलेज के आउटसाइड आपको कोई भी रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, मतलब जैसा सिटी में डेवलपमेंट होता है वैसे वहाँ पर नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपका कट ऑफ, क्योंकि कॉलेज का लोकेशन थोड़ा ऑड है, ज़्यादा दूर है, तो इसलिए उसका कट ऑफ कम लगेगा, राइट। अगर आपको ऐसा कोर्स चाहिए जो अदर कॉलेजेस में नहीं मिलता है, जैसे कि कंप्यूटर, IT वगैरह, तो ये कॉलेज आप कंसिडर कर सकते हो, बराबर, क्योंकि इसका कट ऑफ थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चे चाहते हैं सिटी में एडमिशन लेना है, बराबर, जिसका स्कोर अच्छा है, तो ये कॉलेज ज़रूर आप कंसिडर कर सकते हो। डिग्री भी मिलेगी आपको, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को एफिलेटेड है, जहाँ जहाँ BE डिग्री मिलती है और जो जो पुणे यूनिवर्सिटी का एफिलेटेड है, हर एक कॉलेज जो नॉन ऑटोनोमस है सबके लिए सेम ही सर्टिफिकेट एट दी एंड मिलने वाला है, जो डिग्री का सर्टिफिकेट होता है सबका सेम ही होगा, बराबर। तो बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा इंटेक है, यहाँ पर देख सकते हो आप 500 बॉयज़ हॉस्टल का, और फर्स्ट ईयर के लिए 120 सीट्स है। टोटल इंटेक ऑफ गर्ल्स हॉस्टल इज 200 और फर्स्ट ईयर के लिए 100 सीट्स है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, इस कॉलेज का बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है कॉलेज से लेके सिटी तक, जो भी नियरेस्ट पिंपरी चिंचवड़ जो सिटी है इसको ज़्यादा नियरेस्ट है वहाँ तक, अलग अलग प्लेस पे डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन। इतना पता है मुझे कि ट्रांसपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है, वो आप कॉलेज में फ़ोन करके भी डायरेक्ट पूछ सकते हो। अगर आप दूर रहते हो तो उनका कॉलेज का बस भी आपको फैसिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम कोर्सेज कौन से अवेलेबल। तो सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर है, IT है, ENTC और मैकेनिकल है। तो सिविल का इंटेक 60, कंप्यूटर का अच्छा इंटेक है 120, IT का कम है 30 और ENTC 60 और ये 60। वैसे कंप्यूटर IT अगर कोर ब्रांचेस की बात करते हैं, ENTC भी मैं उसी पर पकड़ता हूँ, तो 180 प्लस 210 टोटल यहाँ पर सीट बन जाते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम इसके प्लेसमेंट के बारे में। तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर बोला है, आवर मेजर रिक्रूटर्स, मतलब ये कंपनियों में हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, जैसे कि इन्फोसिस का नाम है, फोर्स मोटर्स का नाम है, सीमेंस का नाम है, सिंटेल का नाम है, तो IT कंपनियाँ भी इसमें हैं, बराबर। मैकेनिकल वाली कोर कंपनियाँ भी यहाँ पर दिख रही है मुझे, सिविल वाली भी कोर कंपनियाँ, अंबुजा सीमेंट वगैरह मुझे दिख रहा है। तो आगे बात करते हैं प्लेसमेंट का, कुछ डेटा मिलता है क्या देखते हैं। तो वहाँ पर इन्होंने 21 और 22 का डेटा यहाँ पर अवेलेबल किया था, तो बहुत काफ़ी लंबी लिस्ट थी, मैंने कुछ गिने चुने पहले नाम आपके लिए लिए, आप वेबसाइट पे जाके पूरी लिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। बस मुझे क्या बताना था आपको कि यहाँ पर 2021 में देखिए आप ये डिप्लोमा का है, हम डिग्री की अगर बात करते हैं तो पंकज नाम का स्टूडेंट है, उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्रिया ऑटो कंपोनेंट्स में सिलेक्शन हुआ 2.16 लाख पैकेज से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये हो गया मैकेनिकल का, IT की बात करते हैं तो
रुतुजा नाम का स्टूडेंट नाम की स्टूडेंट है, उसका प्लेसमेंट TCS में हुआ 3.37 लाख पैकेज के साथ। ओके, तो विप्रो में भी कई बच्चे स्टूडेंट हुए हैं, स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं कई स्टूडेंट्स। तो टाटा टेक्नोलॉजी के नाम दिख रहा है मुझे, बराबर, विप्रो, वर्चुसा, तो अच्छी कंपनियों के भी नाम दिख रहे हैं। और कुछ लो लेवल कंपनियां, मतलब स्मॉल स्केल कंपनियां भी यहां पर विजिट करती हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस कॉलेज से नज़दीक में एक MIDC है, चाकन MIDC आपको पता होगा, तलेगांव MIDC पता होगा। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है कॉलेज के पास में ही, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर छोटी छोटी कंपनियों में भी प्लेसमेंट होना पॉसिबल है, जैसे कि मैकेनिकल वगैरह जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो बहुत सारे वर्कशॉप वगैरह छोटे छोटे बहुत सारे, तो उनको अगर एक्सपीरियंस के लिए चाहिए तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है, पॉसिबल है। ओके, और IT वाला भी यहाँ पर प्लेसमेंट है, तो अगर आपके अंदर स्किल सेट है और एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप कॉलेज के अंदर से भी प्लेस हो सकते हो, ठीक है। अगर नहीं होते हो तो फिर भी अगर आपके पास स्किल है तो बाहर से भी प्लेसमेंट हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में, तो लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर वेबसाइट पे उन्होंने अवेलेबल किया है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर अगर इंजीनियरिंग की फीस की बात करते हैं तो BE मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो ट्यूशन फी 57, डेवलपमेंट फी 7000, टोटल फी 65000। ओके, ये हो गया ओपन कैटेगरी के लिए 65000। तो मैं आपको बता दूँ जितने भी कॉलेजेस मैंने अभी रिव्यू किए हैं ना, तो यहाँ पर ये कम फीस मुझे लगा है, बराबर। बाकी सारे कॉलेजेस में 1 लाख के ऊपर फीस है, 1,90,000, 1 लाख के ऊपर ही है, 1.5 लाख भी मैंने देखा है। तो ये फीस जो है कम है कंपेरेटिवली अदर कॉलेजेस। ओके, तो टोटल फीस फॉर ABC OBC 36,000 और ST ST SC NT SBC के लिए 7,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इस कॉलेज का लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, कैप राउंड 1 का कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सिविल का तो काफ़ी कम कट ऑफ है यहाँ पर, 6% है सिर्फ, बराबर। तो आगे देखते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, देख सकते हो 55% है, जैसे कि मैंने बोला कि कट ऑफ कम है इस कॉलेज का, क्योंकि कॉलेज का लोकेशन जो है काफ़ी दूर है। लेकिन अगर आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लोकेशन कहीं भी चलेगा, आपका अगर स्कोर 55% के आसपास है तो यहाँ पर फिर भी आपको पुणे यूनिवर्सिटी में, और ये सिटी से कितना दूर है जैसे कि हमने देखा पिंपरी चिंचोड़ सिटी से 10 किलोमीटर के आसपास रहेगा, बराबर। तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, बराबर, आप वहाँ पर रह के अप डाउन कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए एक फैसिलिटी है या फिर ऑप्शन है आपके पास। तो आगे बात करते हैं IT का, 49% देखिए 50% के आसपास भी है तो इस कॉलेज में आपको कंप्यूटर या IT मिल सकता है, बराबर। लेकिन आपको डिसीजन लेना है, आपको इस कॉलेज के बारे में और रिसर्च करना चाहिए, बराबर, तो उसके बाद आप खुद डिसीजन लेंगे, ठीक है। और ENTC का तो देखो सिर्फ 1% पिछले साल का कट ऑफ। तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिन चीज़ों की वजह से यहाँ पे बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल चॉइस होती है। कई बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है, कई बच्चों को प्रॉब्लम लगता है, बराबर, तो आपके ऊपर है। मैकेनिकल का भी काफ़ी कम कट ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं ओवरऑल, कि आपको एक अंदाज़ा लग जाए ये कॉलेज आपके लिए सही है या नहीं है। फिर भी आप इसके ऊपर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, बराबर। और ये वीडियो आपके साथ आप सबके साथ शेयर भी कर सकते हो, सबको हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो इस एडमिशन के दौरान। एक भी स्टूडेंट का एडमिशन अगर आपकी वजह से अच्छे कॉलेज में होता है, वो अगर आपको मतलब आपकी वजह से उसका होता है, तो बस और कुछ और क्या चाहिए हमको, ठीक है। तो ज़रूर आप हेल्प कर सकोगे ये वीडियो शेयर करके। और आपके लिए भी एक बात बता दूँ, ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके एडमिशन से लेके आपके करियर तक ये चैनल आपको हेल्प करेगा, ठीक है। किसी भी कॉलेज का नाम अगर आप उसके ऊपर चाहते हो वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। तो रुकते हैं यहाँ पर, मिलते हैं एक और ऐसे ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।